आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और हम लोग जा रहे हैं ऊपर की ओर। जरूर हमारे साथ बने रहना देखने के लिए। चलिए हम ऊपर जा रहे हैं, जरा मेरे को ऊपर को दिखा। आधे रास्ते तक ही पहुँचे, अभी बहुत पहुँचने में बहुत टाइम है। वहाँ गाकुल पहुँचते बहुत टाइम लग जाएगा, एक घंटा या दो घंटा लग जाएगा, बहुत टाइम है। आधे लोग तो जा चुके हैं, हम लोग पीछे ही पड़े हैं। हम लोग सामान हमारा लेके जा रहे हैं, पीछे बैग है, इसके हाथ में थैली है। वहाँ से अभी बहुत अच्छा नज़ारा आएगा, आप सभी लोग देखना हमारे साथ, हो हमारे साथ बने रहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना ज़रूर करना। हम लोग वहाँ से अभी निकले, हम लोग अभी यहाँ पर ही पहुँचे, थोड़ी देर थक गए, बहुत गर्म हो रहा है, मौसम भी बहुत ख़राब है। अगर धूप होता तो हमारी हालत ख़राब हो जाती, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक ही पहुँच रखे हैं। 20 मिनट और रखे हमें यहाँ तक पहुँचे हुए। अभी यहाँ से हमें और ऊपर जाना है, यहाँ से ऊपर 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 ऊपर, यहाँ से सीधे बहुत ही ऊपर है, पूरा 2 घंटे लगने वाले हैं जहाँ आप जाने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए, आगे का और दिखाएंगे हम आपको। ये देखिए हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ से हम लोगों ने आपको पीछे का वीडियो वहाँ नीचे से दिखाया था। अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अभी बहुत दूर जाना है और थकान बहुत लगी है, सांस फूल है मेरा तो, तभी बहुत थकान टाइप का लग चुका है। आधे वल्थी दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है, गेला ही नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा भी है जो सा दिख रहा है। और गाँव का तो नाम ही नहीं पता मुझे, डूना पानी कहाँ पर है। मटकोर भी अपना बहुत अच्छा दिख रहा है, अभी ऊपर से ज़्यादा अच्छा दिखेगा। नीचे से आ रहे बहुत सारे दादा लोग आ रहे हैं, आधे तो यहाँ तक पहुँच गए, पता नहीं कि दिख नहीं रहे अभी, आधे वो हो रहे हैं। सामान हमान लेके आ रहे हैं, हमारे पास तो हमारा बैग है, एक सामान हमान लेके आ रहे हैं। हम लोग भी बहुत थकान लग गया है, इतने ऊपर से बोला भी नहीं जा रहा है, इतना थकान लग रखा है। शक्ल दिखाऊंगी तो आप लोग सोचोगे शक्ल क्यों नहीं दिखा रही है, क्योंकि इतना हालत ख़राब हुआ है गर्म से, हमारा पसीना पसीना बहुत गर्म हो चुका है। धूप नहीं है फिर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, पता नहीं तक गर्म भी कैसे हो रहा है। लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है, मस्त मस्त वाले। आगे का हम दिखाते हैं आपको, अभी हम कहाँ पर से कहाँ पहुँचने वाले करके। सोना भी दिखता है, मेरे को कुछ नहीं पता है। हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, लोग कोई पूजने भी जा रहा है अपना, क्या वहाँ नीचे अभी हम आधे रास्ते तक सकते, दादा लोग बैठे साथ में। यहाँ से हम अभी और जाना है, ये नीलो लाइव वीडियो में लगी है। यहाँ से मटकोट बहुत अच्छा दिख रहा है, इसको देखो तो जरा लाइव वीडियो में। गेला लाइव ब्लॉग बना दी, और ये रोपार बोलते हैं, यहाँ पे रोपार है, कौन सा रोपार है? अरे हाँ हाँ हाँ, ये हमारा करेचर है जहाँ है। इसे बोलते हैं देवी पत्थर, यहाँ पे वो गाना पूजा वूजा होती है। बताइए, और ये हमारा दिखा। अभी दादा लोग आ रहे नीचे साथ में जाते हैं, अब थोड़ी देर बैठते, बहुत थक गए। यहाँ पर देव कोई पूछने के लिए आ रखा है, यहाँ पर अपना आचड़ी का कुछ पूछते हैं ना लोग, सब लोग पूछते हैं मतलब। मटकोट भी यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है, अभी तो गाकुल का नज़ारा देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारे हरी चचा ने बना रखा है, हमारे विधायक जी ने, बहुत मस्त वाला, वो देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जंगल में भी इतना अच्छा बन सकता है करके। थकने के कारण सांस वो रही है मेरी, इसलिए अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ। बस यहाँ से आप आगे बने रहिए हमारे साथ। हो जाएगा, मुंछारी का तो हो जाएगा। पप्पू दा को भी दिखाते हैं, पप्पू दा मेरे YouTube चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना।
फर्स्ट बार बना रही हो तेरा, अच्छा बने ना बने क्या पता। हम लोग यहाँ पर बैठ रखे हैं, अब चलते हैं, सब लोग आ चुके हैं आधे, चलते हैं अब। पप्पूदा लोगों को अभी पहुँचे, अभी थकान लगी है। यहाँ से पप्पूदा का नज़ारा दिखाया पीछे साइड का। ब्लॉग की स्टार्ट हमारी, देखिए देखिए हम लोग आइए पप्पूदा लोग कैसे सामान लेते लगे। वैसे हमारे हाथ में इतना सामान है, पीछे भी बोक रखा है हमने सामान। मटकोट यहाँ से बड़ा ही प्यारा दिख रहा है। हम लोग उधर से आगे आ गए थोड़ा, अभी तो बहुत बहुत जाना है। चलो 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 चलो, इनका पंगा चल रहा है सामान ले जाओ करके, पंगा चल रहा है। एक सामान ले जाए, छोटे बच्चे को लगा दिया पप्पूदा आपने भी, पकड़ो थोड़ा अपना तो थैली है, नहीं हो रहा था हमारी मदद करते हैं, आप तो बड़े ठहरे तो सर, हमारा भी ये पकड़ था सामान। यहाँ से मुंशारी दिख रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बस बड़ा फर्क भी दिखता थोड़ा अच्छा था। हवा भी बहुत तेज चल रही है अब तो, थोड़ा ठीक हो रहा है यार, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। यहाँ पर आधे लोग यहाँ पर ही बैठे हैं। ये रहा मटकोट का हॉस्पिटल, हमारा खुद का मटकोट है, मटकोट ये भगना का एरिया है, वहाँ है मतलब पूरा मटकोटी हुआ है तब से भगना। हाँ। बता रही किसने बनाया भगना अलग सा, मटकोट पूरा मटकोट बोलने के बाद भगना अलग, देवी बगलगढ़ यहाँ है गोलमा, आप देख सकते हैं ये गोलमा है हमारा। चौना का क्या रे, चौना ये रहा तो झुमके, चौना ये दिख रहा होगा आप लोगों को। मुंशारी बहुत मस्त दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है मुंशारी का नज़ारा, बहुत अच्छा। अभी तो हमें और दूर जाना है, अभी तो बहुत दूर है, चलते 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 चलते। अभी हम हरी चचा लोगों का घर भी दिखाएंगे, जहाँ जंगल में बना रखे हैं मस्त वाला, फिर उसके बाद जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ भी दिखाएंगे आपको। वो रास्ता देखो, फाफा जाने वाला रास्ता पहले यहाँ से था ना, वो ये ऊपर साइड पैदल वाला रास्ता है और नीचे ये रोड ही रोड। आगे चलते हैं, हवा मस्त चल रहा है, सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। अभी आधे लोग पता नहीं कहाँ है, सब लोग आगे जा चुके हैं, अभी और भी आ रहे होंगे पीछे, कुछ पता नहीं है कितने लोग आ रहे हैं। बहुत मस्त हवा चल रहा है, नदी तो ज़्यादा ही काला टाइप का आ रहा है यार, बारिश के उससे हो रहा होगा। हमें हमारा मटकोट कैसा लगा और यहाँ से नज़ारा कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे भी अच्छा लगा था, कमेंट में थोड़ा बताना चाहिए आप लोगों को भी। आगे चलते हैं, फिर आगे का वीडियो दिखाएंगे हम आपको। चलिए लोग, हमारा शक्ल देख सकते हो कितना खतरनाक हो रहा है, ये देखो हाथ में सामान हमान, और लोग पीछे रह गए। चलते हैं हम आगे की ओर, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। अगला ब्लॉग तो दया बनाना पड़ेगा फिर, नहीं ये छोटा सा ब्लॉग। थकान से सांस फूल दिया सांस, अरे कितना दूर जाना है, अभी तो हरी चचा लोगों का घर भी नहीं दिख रखा है, बहुत दूर है। धूप, हम लोग यहाँ आते थे लकड़ी लेने, इतने दूर एक घंटा है, आधा घंटा तो लग चुका है हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते। गाइस पानी प्यास बहुत लगी है इसलिए मैं पानी, यहाँ हम आते लकड़ी लेने के लिए आते जब गाँव खुलाते हैं, और घास भी यहीं आते हैं हम लोग, क्योंकि मटकोट साइड में तो कुछ है नहीं, वहाँ आस पास मांग हांग में यहीं आना पड़ता है। मेरा पानी खत्म हो जाएगा तो, बहुत बहुत ज़्यादा थकान लगी है मुंशारी, यहाँ से मुंशारी थोड़ा हल्का सा पीछे, आपने देखा होगा मेरे आए हुए वीडियो में उस साइड पर दिखा रखा है मैंने आपको, अच्छा सब मुंशारी का नज़ारा। एक दिन चलते हैं गाइस आपको खलिया टॉप लेकर, खलिया टॉप, खलिया खलिया टॉप लेकर। हमारा न्यू ब्लॉग मतलब अब आएगा, मतलब हाल ही में आएगा, कभी न कभी आएगा खलिया टॉप का, ठीक है। कैसा पीते बोतल है जब ऐसा सब करके पीते हैं, इसका स्टाइल देखो बोतल पकड़ने का। बीड़ी पकड़ा है सालों, बीड़ी पकड़ा है, खुकड़ी खुकड़ी खान जब बहुत हालत खराब है। अभी तो अभी भी नहीं निकले लोग, अपने में बैठ रखे हैं, हम इतने दूर से ऊपर आ गए हैं, हम देखिए देखिए हम लोग इतने दूर से उधर से उधर पर से अभी अभी यहाँ से अभी पहुँचे हम लोग वहाँ, लोग अभी वहाँ ही है।
यहाँ से देख सकते हो जोसा थोड़ा हल्का सा दिख रहा है, तो आप सोच ही सकते हो जोसा यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है तो हम लोग वहाँ से कितने दूर आएंगे मटकोट से लेकर यहाँ से ऊपर। जिसने मटकोट का एक गाखुली नहीं देखा है जरूर देखना हमारे ब्लॉग में। अभी आगे और भी है, मौका नहीं मिले हरीश धामी जी का नया मकान देखने के लिए तो आप देख सकते हैं मेरे इस ब्लॉग में, जरूर देखना। और इस वीडियो को तो शेयर भी कर देना यार, ये कम से बहुत कम सब्सक्राइबर है, बढ़ाने सब्सक्राइबर, देखते हैं एक साल तक क्या तो होता है, अगर एक साल तक हो गया तो ठीक है बड़ा होगा वरना मैं प्यार दिखाइए थोड़ा सा, हम पर प्यार बरसा वो ज्यादा तू मेरा है, तू तू ही बना दे मेरा ब्लॉग अच्छा बना रही है मेरे से तो हो भी नहीं रहा, तू ही बना दे ना आगे का वीडियो जरूर देखिए हमारे साथ। अभी हम यहाँ से और जा रहे हैं, अभी और घर जाना है आगे, अभी और दिखाते हैं हम आपको, चल देखते हैं आगे का आगे का वीडियो। ये रहा हमारा हरी चाचा लोग के वहाँ पर पहुँचने वाले जहाँ हम लोग ने जंगल में घर बना रखा है। गेट तो आ गया, एक फर्स्ट गेट ये रहा सामने का, बुरास लगा होता तो ज्यादा अच्छा, बुरास का फूल चलो चलो अभी तो और है, अभी तो ओ वो वहाँ से दिखेगा, चलो यहाँ से मुझे कोई गांव ही नहीं दिख रहा है, यहाँ से मुझे गांव ही नहीं दिख रहा है किसी का, पीछे साइड होगा गया पहाड़ के। ए कौन जाएगा इतने दूर, ए कभी बाघ और भालू देखना फिर भी आंसू है, बाघ गई तो बच कैसे गई है हम लोग सारा घास नीचे फेंक गया, हम पीछे दौड़, मेरा पैर वैर कटा था उतने कांटा वाटे थे ना, वैसे दौड़ के आई थी तो तुझे पता ना, मैं अपने आपको बताने के लिए कुछ भी कर सकती हूं, किसी और को भी धक्का दे सकती हूं, हम लोग को बताने के लिए चलो, आपको बताने के लिए कुछ भी कर सकती हूं, कुछ भी दिखा आगे के बाद ये बच्चा बच्चा अरे बच्चा बच्चा पानी आ रहा है दीपो दिखा, बोतल भरते हैं फिर आप नीलो, वही नीलो बोतल भरते हैं कुकर देखी खाई बे जॉग प्रोटीन मिल रहा है यहाँ से, बकरी एक रखवाली कर रहा है कमरे का, यहाँ तो कमरे का बुरा हाल हो रखा है, टीवी भी है यहाँ, तब से झाड़ू नहीं मार रखा है ऐसा खतरनाक हो रखा है, खतरनाक हो रखा है कमरे का हाल, तो टीवी भी है लाइट है ना फोन चार्जर लेके आना चाहता, चार्जर भी लेके नहीं आया फोन चार्ज करने के लिए, बस यहाँ बस था साफ साफ करना बस, जन भी गए नहीं लोग, ये रुका यार मेरा रास्ता नहीं पता है, अभी पीछे दादा लोग साथ जाते यार, दिव्यांशु को पता है, अरे दिव्यांशु तो है यहाँ पर, चले यार चार्जर तो नहीं है, चलो अभी याद आया चार्जर लाते तो अच्छा था, पता ही नहीं था फोन चार्ज मतलब लाइट है नहीं, लाइट लाइट तो है ही है, यहाँ लाइट है ना मतलब बल्ब नहीं चल रहा है और पंखा नहीं चल रहा है, सब फोन वो चार्ज हो रहा है दस बजे एक बार चार्ज तो नहीं, पीछे किसी के पास ये लोग तो खाली हाथ नहीं आएंगे, बल्ब ही नहीं चल रहा है ना, टिंग टिंग निकुदा लोगों के पास होगा,
अरे शिबुदा भी दिख रहे पीछे तो मेरा पानी का बोतल। मुझे भी तो पढ़ना था पानी। नीलू ने टैबलेट वहीं फेंका अपना। ओ दिव्यांशु टैबलेट ले यार, कोई थोड़ा खा तो ना रहता टैबलेट। चलो आगे का दिखाते हैं, अभी हम पहुंचने वाले हैं। हम पानी भरते हैं। अब हम यहाँ से आगे की ओर जा रहे हैं। मुझे भी नाना लगे तो क्या अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। वहां से लोग ही लोग सामान। फ्री फायर वाला अभी नीलू ने फेंके ना बहुत सारे जॉग यहाँ पर। वो नहीं बना, मेरा विश्वास नहीं है। हो गया तय साफ करना, वहाँ वहाँ का रहने दे, वहाँ पर अपना सब यहाँ से पानी का सब ना वहाँ ये तो कमी हो गया रे फिर नीलू। ये तो कहा पति के ऊपर आप क्या बिछाएंगे फिर? अच्छा हाँ नीचे लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम चोर की तरह यहाँ पे बैठ रखे हैं। देखो मतलब हम काम करने जा रहे हैं अभी, तो हम यहाँ पर करेंगे थोड़ा सा काम। दोनों हाँ मुश्किल है फिर देखो। अरे तो गुद गुड गुदने इधर क्या पीड़ा बोले मुझे तुम्हें कुछ बोलो मुश्किल ये देखो गाइस यहाँ पे प्याज व्याज काटा जा रहा है। हेलो गाइस बोलो हाँ हमारा कुछ काम धंधा नहीं है क्यों ही हो? अब अभी पूरी बना रहे गाइस, इनका कुछ काम धंधा नहीं है इसलिए प्याज काटते हैं। जन जरा दिया दिव्यांशु बोलना कुछ काम कर रहे हैं गाइस यहाँ पे देखो। ये प्रिया भी आटा गूंदेगी, बहुत एक्सपर्ट है आटा गूंदने में। आटा गूंदने का नहीं पूरी बनाने का काम है। मसी हेलो बोलो। हेलो गाइस वेलकम टू माय व्लॉग। बोलो
यहाँ से कुछ लोग अभी आ रहे हैं, मतलब दिखाते हैं हम आपको पूरी तरह से अच्छे से। ये अभी पहुँच रहे बड़ी मुश्किल से, ये आज हम जंगल में आए हैं। मेरा दो पूरी फर्स्ट बार हाथ में बता रखा है, दो पूरी कैसा लगा देख ली कमेंट में जरूर बताना। फर्स्ट बार हाथ में बता रही हूँ। यहाँ और लोग भी है, यहाँ पे टीका वीका लगाया जा रहा है। अपना अपना रूम बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लगा था, बढ़िया लगा था। दूर दिख रहे हो यार, तुम लोग नजर ही नहीं आ रहे हो जो जगह से किस गधर से गए होंगे। रुक जा यार, रुक जा, फिसलना आ रहा है। आ रही हूँ मैं भी, ये दौड़ के आगे यहाँ पर। हम पानी के धल के धारे के यहाँ पर इतना ऊपर है, मुझे आई अपनी पर है। इसे रुक जा, रुक जा दादा, इतनी जल्दी ऊपर कैसे पहुंचे अभी तुम लोग? यहाँ पर भी आता था पहले पानी है। आज मैं भी आ रही थी दौड़ के, मजाक मत कर, गंदप का पानी कहाँ से आएगा? हाँ नल से आ रहा है गर्म पानी, गंदप का पानी, गंदप का पानी। चलिए वहाँ चलते हैं। ये नल किसके है फिर टूटा हुआ? गर्म पानी का ही तो आज लगा ले। जो खेते ज्यादा गर्म है तो हाँ रे पानी ले भी इतने दूर। कौन सा डिग गई, इतना ऊपर से थोड़ा 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 जा रहा है पानी और यहाँ पर बढ़ा जा रहा है। इसके साथ कौन खेल रहा है? मेरे साथ ही ना, मेरी मम्मी ठंडा ठंडा मार ना फोन तो ये पानी के खिलेगी जल्दी पाक। तो गाइस देख सकते हैं अब हम घर जा रहे हैं, हमारा पूजा खत्म हो चुका है, हमें अभी भी बहुत नीचे जाना है। ये प्रिया देखो घास काट के लेकर आ रही है, सब लोग काट रहे थे तो इसने भी काट दिया। अब मतलब हम अब आपको अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, ठीक है? हम ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, चलो ठीक है, बाय। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए।